हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने पराठे तरह तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने मलाई का पराठा खाया है? अगर नहीं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। बाजार में मिलने वाला ये मलाई का पराठा बेहद ही स्वादिष्ट होता है और सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मिल जाए तो क्या ही कहने। तो चले आज हम इसे घर पे तैयार करेंगे। पराठा तैयार करने के लिए देखिए, यहाँ पे मैं नॉर्मल गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसा हम घर में रोटी के लिए लगाते ना, ये वैसा है। इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने इस आटे से एक लोई तोड़ ली है। जितनी हम पराठे के लिए लोई लेते हैं उतनी मैंने लोई ली है। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे बाजार में जो ये पराठा तैयार किया जाता है वो मैदे से तैयार किया जाता है। अब हम इस लोई से एक बड़े आकार की रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, जो हम रोटी बेल रहे हैं ना, वो बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी इसकी मोटाई ज़्यादा रखेंगे, जैसे हम पराठे की रखते हैं। अब रोटी बेलने के बाद मैंने यहाँ पे ली है दूध के ऊपर जमी हुई मलाई। ये अच्छी सी थिक मलाई है, इसका इस्तेमाल करेंगे। लगभग यहाँ पर मैं 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब मलाई का इस्तेमाल करूँगी। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। लोई जो हमने बेली थी, यानी ये जो रोटी है, इसके हाफ पोर्शन में हम मलाई को फैला लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, किनारों तक नहीं लेके जाएंगे मलाई को, क्योंकि अभी हमें पराठे को फोल्ड भी करना है। अच्छे से मलाई फैलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। यहाँ पर मैं पिसी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो चीनी होती है वो भी डाल सकते हैं। लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैं चीनी डालूंगी। आप मीठे को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम इसके ऊपर बुरक देंगे थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर पिस्ता पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब इस तरीके से हम अपनी रोटी को फोल्ड कर देंगे और अच्छे से उंगलियों से प्रेस करते हुए इसे सिक्योर कर लेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे से दबा दें, नहीं तो जब हम इसे सेकेंगे ना तो ये फट सकती है। अब ये देखें, हम इसको फोल्ड किस तरीके से करेंगे, जैसे गुजिया फोल्ड करते हैं ना, वैसे करेंगे। बाजार में इसी तरीके से फोल्ड करके ये पराठा तैयार किया जाता है। ये देखें, बहुत आसानी से हो जाएगा। और ऐसा करने से जो हमारा पराठा है वो नई लुक का भी लगेगा और बहुत देखने में सुंदर भी लगेगा। चले, हमने पराठे को अच्छे से सिक्योर कर दिया है। अब बस इसके बाद हम गरम तवे के ऊपर इस पराठे को रख देंगे। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। अब हम इस पराठे को सेकेंगे देसी घी के साथ। भाई, मलाई वाला पराठा है तो देसी घी के साथ सिकना तो इसका बनता ही है। किनारों पे हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी और मीडियम फ्लेम पर हम इसे गोल्डन होने तक सेकेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने तक सेक के तैयार करेंगे। चले, अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखें, हमारा जो पराठा है कितना बढ़िया कलर का आया है और आप देखें अच्छे से गोल्डन भी हो गया है। अब दूसरी तरफ से सेकने के लिए भी हम थोड़ा सा देसी घी इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। चलें, दूसरी तरफ से भी जो हमारा पराठा है वो अच्छे से सिक जाए, इसके लिए हल्का हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। बहुत तेजी के साथ प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो पराठा फटने का डर रहेगा। अब जब हमारा पराठा दूसरी तरफ से सिक जाएगा तो हम इसे पलट के चेक करेंगे। ये देखें, हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी सिक के तैयार है। बस अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगेगा। और अगर आपके बच्चे मलाई नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से उन्हें मलाई खिला सकते हैं। यकीन जानिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अंदर से जूसी हल्का सा मीठा ये पराठा सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।